आज के इस वीडियो में मैं आपसे नेविगेशन ड्रॉवर में जो इमेज लगती है उसका कलर कैसे चेंज करना है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपोर्ट, गैलरी, स्लाइड शो, टूल्स, ये सभी के जो इमेजेस लगी वो ब्लैक है। और यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली है स्टार की और वो भी ब्लैक है जबकि स्टार ब्लैक नहीं था। तो इन सबको कैसे कलर चेंज करना है, इसमें कौन सा कोड लगेगा वो हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में आते हैं और मेनू में जाते हैं जहाँ पे एक्टिविटी मेन टू ड्रॉवर डॉट एग्जामल लिखा हुआ है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख रखा है जिसमें मैंने शेयर के कोड दे रखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे मेन टू एक्टिविटी से काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी विक्टर इमेजेस हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन ये वही कलर है जो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये ब्लैक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैमरे का कलर कुछ और हो, टूल्स का कलर कुछ और हो, शेयर का कलर कुछ और हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप विक्टर इमेज यूज़ करें, आप चाहे तो आप अपनी खुद की इमेज यूज़ कर सकते हैं जो आपने बनाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी साइज डायमेंशन है 50x50, यही साइज की इमेज नेविगेशन ड्रॉवर में लगेगा, इससे बड़ी साइज की नहीं लगेगी। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार येलो है लेकिन हमारे नेविगेशन ड्रॉवर में ब्लैक दिख रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ के सारे जितने आइकन है सबके कलर चेंज कर देते हैं। गैलरी का चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं ताकि हमें हर कलर दिखाई पड़े उस पर। तो यहाँ पे हमने आइकन के इमेजेस का कलर चेंज कर दिया है और यहाँ पे मेरा एक आर्टू करके पीएनजी फाइल भी लगी हुई है नेविगेशन ड्रॉवर में। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में, यानी मेन एक्टिविटी टू। मैं इस पे काम कर रही हूँ इसलिए मैं यहीं पर आऊंगी। आप नेविगेशन ड्रॉवर स्टार्ट करेंगे तो आपका पहला पेज मेन एक्टिविटी होगा जहां पर लिखा है नेविगेशन व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी। आपको इसके नीचे ही सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है नेविगेशन व्यू डॉट सेट आइकन टिंट नल। और जैसे ही सिर्फ एक लाइन का कोड लिखेंगे हमारे नेविगेशन ड्रॉवर के सारे आइकन के कलर वही आ जाएंगे जो हमने चूज किए। तो चलिए इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार को आपने देखा, ये पहले ब्लैक था, अब वो वही कलर है जो हमारे पिक्स में था। ये टूल को हमने ब्लू चूज किया था, गैलरी को हमने ग्रीन और कुछ टूल्स हमने छोड़ दिए थे तो वो ब्लैक ही है। तो इस तरह आप अपने आइकन के इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। विक्टर इमेजेस को आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो। और भी इसमें यहाँ पे देखिए विक्टर एसेंट है और यहाँ पे क्लिप आर्ट्स में आप जाएंगे और ये कलर है तो आप क्लिप आर्ट्स में जाएं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एसेंट मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे ड्रॉप आइकन जो बना है आप उसे क्लिक कीजिए और आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे चूज करेंगे यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट करके आप को जो भी आइकन पसंद है आप उसको लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।